I'm going to go across to Sunil Baburao Mende, who's back on the phone line with us. Thank you so much for speaking to us. If you can tell us what happened, if you can describe, agar aap humko bata sakte hain kya hua aaj Lok Sabha mein. Madam, hamara 0 hours chal raha tha. Ji. Aur 0 hours mein kuch apne jo logon ke liye public gallery hoti hai, wahan se ek aadmi kud gaya chalte samay. To hame to pehle laga ki koi galti se gir gaya. इसलिए शुरू में ध्यान नहीं किया कुछ कक्षाओं सेकंड के लिए, और बाद में वो आदमी फिर से खड़ा होकर जब जूते के अंदर से कुछ निकाल के उसने कुछ धुआं करने की कोशिश की उस समय, और उसके बाद सेकंड कुछ देर बाद समय बाद दूसरा आदमी भी कूद गया, तो ध्यान में आया कुछ तो गड़बड़ है, तो सब लोग उसके पीछे भागे, जो पहला था वो दौड़ रहा था. और बहुत अच्छी बात है कि सभी सांसद लोग मिलकर वो लोगों को पकड़ा गया, और लोगों ने हिम्मत दिखाई. खासकर मैं उन्हीं सभी सांसदों जिन्होंने उसको नजदीक से पकड़ा उनको बधाई दूंगा, और उनको उनकी ये करूंगा कि भैया उन्होंने अपना एक बड़ा हिम्मत दिखाकर उनको किया, और ये लोगों को मैसेज दिया कि हम सांसद ऐसे छोटे मोटे घटनाओं से डरने वाले नहीं है, हम इसको मुकाबला करने के लिए सक्षम है. और देश को भी ये मैसेज, देश से भी ये मैसेज जाना चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे मामलों में कोई सांसद या देश का नागरिक इसको हमेशा लड़ेगा और इनको करेगा. जी, लेकिन ये छोटा मामला तो नहीं है, बहुत बड़ी ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है. बट जी, हमको दिख रहा है जिस तरह से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उनको कन्फ्रंट करते हैं, तो आप कह रहे कि एमपीज ने पहले उसको पकड़ा और फिर बाद में मार्शल्स भी भागते हुए आ रहे थे, जितना हमने देखा है वीडियो. आप बताइए. जी, एमपीज लोगों ने ही पकड़ा है. शुरू में मार्शल थे आजू बाजू में, लेकिन जो पकड़ा गए वो एमपीज लोगों ने ही पकड़ा है उसको सबसे पहले, और उन्होंने ही सब हिम्मत दिखाई और कोई डरा नहीं, कोई ज्यादा कुछ उसमें नहीं की हम लोगों ने. और बहुत अच्छा एक अच्छा मैसेज हमारे सांसद की तरफ से, सभी पक्ष के, तो कोई पक्ष का विषय नहीं है, पक्ष के बाहर तो एक अच्छा एक हुआ. जो भी हुआ है चूक बिल्कुल कहीं ना कहीं चुकी तो हमारी है, गलती हमारी कहीं ना कहीं सुरक्षा में हुई है, वो जांच का विषय है, वो जांच होगी और सब सब सामने आएगा. मगर आज हम लोग इसकी पूरा कड़ी निंदा करते हैं ऐसे घटनाओं की, और हम लोग कभी किसी भी ऐसे घटनाओं का हम लोग इसका कहीं लोग सक्सेस नहीं होने देंगे. और जो दूसरा जना था वो हमको नहीं दिख रहा है वीडियो में, और जब गैस रिलीज हुई, जो पीली रंग की गैस जो उन्होंने रिलीज किया लोकसभा में, उस समय आपको डर नहीं लगा? नहीं, शुरू में तो ध्यान में नहीं आया, डर जरूर लगा थोड़ा बहुत, उतना ऐसा करने वाले कोई था नहीं, क्योंकि वो लोग वो भी उसी गैस में घूम रहा था वो शख्स, और दूसरा शख्स तो जगह पर ही ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, पहले ही जल्दी पकड़ा गया. पहला शख्स ही थोड़ा सा इधर उधर भागने की कोशिश की, आसन कर जाने की कोशिश की, उसको थोड़ा समय लगा है, नहीं 2-3-4-5 सेकंड जो बोलते हैं उसको, तो पहला आदमी तो. जी हाँ, प्रश्न उठ रहे हैं कि ये कैनिस्टर्स अंदर लाए कैसे, क्योंकि जैसे हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, जैसे और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बता रहे हैं, इतनी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी के थ्रू जाना पड़ता है, 5 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है जिससे पहले आप पार्लियामेंट के अंदर पहुंच सकते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा लैप्स हुआ है कि ये जने कैनिस्टर्स को लेकर अंदर आ गए. जी, ये तो मैंने पहले ही बोला कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है और ये जांच का विषय है. आज इमीडिएटली हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, जांच होगी और सब सामने आएगा. चूक तो हुई है कहीं ना कहीं सुरक्षा में, और वो ऐसा बिल्कुल कोई आदमी साथ में जो भी कुछ चीजें लेके आता है तो उसको तो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई सुरक्षा में आना चाहिए, उसका तो जांच का विषय है. मगर मुझे इतना ही लगता है कि ऐसे कोई घटनाओं से कोई सांसद कोई भी पक्ष का हो डरने वाला नहीं है. हम लोग शायद विश्वास रखते हैं, डेमोक्रेसी विश्वास करते हैं, तो ऐसे छोटे मोटे घटनाओं से हम लोग कुछ आहत नहीं होने वाले. जी सुनील बाबूराव मेहंदी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस.